नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हल्की से बारिश और गस्टी विंड दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में आइसोलेटेड बारिश हुआ, 20 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड रिपोर्ट हुआ। सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ खंडवा में, 65 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल है। ईस्ट एमपी में देखा गया तो भी आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हुआ और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ, 23 मिलीमीटर। अधिकतम तापमान के बारे में देखा गया तो सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में रिपोर्ट हुआ ग्वालियर में, 44.5। वहाँ पे डिपार्चर्स भी ज़्यादा था इसलिए हीट वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग था। और ईस्ट एमपी में 13 स्टेशंस में हीट वेव कंडीशन प्रिवेलिंग था। सबसे ज़्यादा छतरपुर में आया था, 45.6 डिग्री। दमो और मलाजखंड में भी सीवियर हीट वेव कंडीशन प्रिवेलिंग था और 6 स्टेशन से वार्म नाइट रिपोर्ट्स भी हैं। अभी की सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ 56 डिग्री लॉन्जिट्यूड में प्रिवेलिंग है और साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और अब यहाँ पे आप सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं, ऑलरेडी जो सदर्न एमपी के साउथ ईस्टर्न एमपी के रीजन में कन्वेक्शन चालू है और क्लाउड फॉर्मेशन भी हो चुका है। ईशान्य छिंदवाड़ा रीजन में ऑलरेडी इंडेंस क्लाउड शुरू हो गया और इसका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो अभी का स्थिति के हिसाब से हमने वार्निंग और फोरकास्ट जारी किया है। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, ये रीजन में आज थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड 50-60 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बाकी सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 40-50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ग्वालियर और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगन, सिद्धि, ये रीजन में हीट वेव कंडीशंस अभी भी प्रिवेलिंग है। और कल के बारे में देखा गया तो भी ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रिवेलिंग रहने का चांसेस है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और बारिश के मामले में देखा गया तो भी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश होने का चांसेस है। छिंदवाड़ा, पांडुना और ये साउथ ईस्ट एमपी में कल रेनफॉल और थोड़ा स्प्रेडेड एरिया में फ्यू प्लेसेस में होने का चांसेस है। और नॉर्थ ईस्टर्न एमपी में जो कंटिन्यू हो रही है हीटवेव कंडीशन, वो कल भी प्रिवेलिंग होने का ही चांसेस है। 18 तारीख को देखा गया तो ये सिस्टम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेनली साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा प्रिवेल रहेंगे। और बारिश भी ऑलमोस्ट ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी बारिश का चांसेस है। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे छतरपुर वगैरह, उधर हीटवेव और वार्म नाइट कंडीशन का भी चांसेस है। और 19 तारीख को भी ये थोड़ा कम हो रही है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, फिर भी साउथ ईस्ट एमपी के काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 50-60 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 30 से 40 और 40 से 50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 19 तारीख से टेम्परेचर थोड़ा घट रहे इसलिए हमने हीटवेव कंडीशंस अभी विड्रॉ कर रही हूँ। और 20 तारीख को भी देख सकते हैं, 20 तारीख को भी साउथ ईस्ट साइड में डिस्ट्रिक्ट्स में सीवियर थंडरस्टॉर्म 50-60 किलोमीटर पर आवर का थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। साउथ वेस्ट और सेंट्रल रीजन का कुछ जैसे राजगढ़, भोपाल, विदिशा और मुरैना, दिंडी रीजन में भी थंडरस्टॉर्म का चांसेस है 30-40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड के साथ। और अभी के कंडीशन में देखा गया तो मानसून एडवांसमेंट नहीं किया है पिछले 2-3 दिन से, मानसून करंट्स वीक है। तो आने वाले दिनों में भी ये 4-5 दिन तक ये मानसून का स्थिति यही रहेगा। तो मध्य प्रदेश में मानसून ऑनसेट के लिए और भी कुछ दिन हमें वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।